लोकसभा चुनाव से पहले टोंक में कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीना के विधानसभा क्षेत्र देवली नगर पालिका के चेयरमैन नेमी चंद जैन, पूर्व चेयरमैन कैलाश सोनी, पार्षद दुर्गेश नंदन साहू समेत टोडाराय सिंह उनियारा नगर फोर्ट से बड़ी संख्या में सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वहीं बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी टिकट लौटा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। आज टोंक में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से निकल करके और कुछ भारतीय जनता पार्टी से पुराने भटके हुए ऐसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन करने काम किया है। सारे प्रदेश में वातावरण है, कांग्रेस में भय और आतंक है, पलायन है, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। इस नाते से हर व्यक्ति वहां से निकल करके भाजपा की तरफ आ रहा है। आप सब लोगों ने राजस्थान की जनता ने करोड़ ली और डबल इंजन की सरकार बने। आज उसी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी गारंटी ली थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस गारंटी में लगभग 45% वादे इस 3 महीनों में हमारी सरकार ने पूरे कर दिए और आने वाले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर 100% जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे संकल्प पत्र पर जिनकी गारंटी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी उसको हम पूरा करेंगे। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अब की बार 400 बार पूरे भारत में एक तरह से जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस की वो विधानसभा का विधायक जो इस लोकसभा का प्रत्याशी है वहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को पकड़ने का काम करा के स्वागत।